स्कूल और कॉलेज के शिक्षकों पर अक्सर पढ़ाई में रुचि नहीं लेने और मोटी फीस वसूलने के आरोप लगते रहते हैं। इसी दौर में बिहार के एक शिक्षक ने अनूठा कदम उठाया है। नितेश्वर कॉलेज के हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर ललन कुमार ने कक्षा में स्टूडेंट की उपस्थिति लगातार शून्य रहने पर अपने 2 साल 9 माह के कार्यकाल की पूरी सैलरी 23,82,228 रुपए लौटा दी। डॉक्टर ललन ने इस राशि का चेक बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर आरके ठाकुर को सौंपा तो सभी हैरान रह गए। कुल सचिव ने पहले चेक लेने से इनकार किया, लेकिन डॉक्टर ललन की जिद के आगे उन्हें झुकना ही पड़ा। डॉक्टर ललन ने कहा कि मैं नितेश्वर कॉलेज में अपने अध्यापन कार्य के प्रति कृतज्ञ महसूस नहीं कर रहा हूं। इसलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताए जाने और अंतरात्मा की आवाज पर नियुक्ति तारीख से अब तक पूरे वेतन की राशि विश्वविद्यालय को समर्पित करता हूं। सर, क्या मामला है? आपने अपनी सैलरी वापस कर दी है। सैलरी का जो मामला है, इससे पहले हमें इसकी पृष्ठभूमि जाना पड़ेगा। 2019 में बीपीएससी द्वारा मेरे चयन किया गया है और मुझे बिहार विश्वविद्यालय आवंटन किया गया। 24 सितंबर 2019 को जब तत्कालीन कार्यकारी कुलपति थे प्रोफेसर राजकुमार मंडल साहब, उस समय हम लोग की पोस्टिंग का लेटर जारी किया गया। उसमें पोस्टिंग में यह हुआ कि बीपीएससी का जो रिजल्ट था उसकी मेरिट को धाता बताते हुए बिना किसी नियम को प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन करते हुए सभी जो अभ्यर्थी हैं उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हुए इन्होंने पिक एंड चूज की पॉलिसी अपनाई। जैसे मेरा 15वां रैंक है तो मुझे नितेश्वर कॉलेज दिया गया और जिनका हमसे नीचे है 2 लोगों का उनको पीजी डिपार्टमेंट दिया गया। मैं उसी समय सवाल उठाया था कि सर ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं है। जो कैंडिडेट है या तो आप मेरिट की बात करें या फिर कैंडिडेट का प्रोफाइल देखकर करें आप यहाँ पर, या हमसे च्वाइस पूछे। जैसे एक पहला कैंडिडेट थे जो जाना चाह रहे थे बगहाँ, वहाँ पर एमजे के कॉलेज बेतिया है सॉरी, तो वहाँ पर वो चली गई, हमें वहीं सूट करता है, ठीक है जहाँ जिसकी अच्छी है। तो ना इन्होंने हमसे पूछा गया और ना हमारे मेरिट को देखा गया, ना हमारे रैंक को देखा गया और गलत तरीके से पोस्टिंग गई। सारी समस्या की जड़ वहीं से शुरू होती है। और उसके बाद मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब अगले बार ट्रांसफर होगा तो होगा। तुरंत उसके बाद 24 अक्टूबर 2019 को फिर से पहला ट्रांसफर होता है 5 लोगों का, उसमें ट्रांसफर उसमें फिर मेरा नाम हटा दिया। उस समय से लेकर अभी तक 6 या 7 बार ट्रांसफर हो चुका है और हर बार मेरा नाम हटा दिया जाता है। मैं इसी चीज में कहा कि नहीं, जब तक मेरी बात नहीं मानी जाएगी ठीक नहीं है, मेरे साथ लगातार अन्याय किया जा रहा है। कॉलेज के प्राचार्य और कुलपति का दावा है कि उसने इस शिकायत का संज्ञान लिया है कि कॉलेज में कक्षाएं नहीं लगती हैं, इसकी हम जांच करेंगे। तो वहीं उन्होंने कहा कि प्रोफेसर ललन कुमार अपने तबादले की मांग से नाराज हैं। उन्होंने हमें एक चेक दिया है लेकिन हमने इसे स्वीकार नहीं किया। ललन कुमार ने पीएचडी की है और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं। दरअसल इसके बारे में मुझे कोई जानकारी थी नहीं, ये अपने स्थानांतरण की कोशिश कर रहे हैं और चूंकि इस महाविद्यालय के प्राचार्य हम हैं तो ये हमारी जानकारी में नहीं था। कल अचानक ये जानकारी मुझे प्राप्त हुई और पत्रकारों के ही द्वारा मुझे जानकारी मिली कि इस तरीके की कोई बातचीत विश्वविद्यालय के स्तर पे हो रही है। जहाँ तक हमारे यहाँ वर्ग होते ही हैं और हर विषय के वर्ग होते हैं और सारे शिक्षक अपने अपने क्लास लेते हैं, हिंदी में जहाँ तक बात है, हिंदी में जितने भी बच्चे एडमिशन लेते हैं सभी हिंदी के छात्र होते हैं। स्नातक में हिंदी ऑनर्स का विद्यार्थी हिंदी का छात्र होता है, अन्य विषयों में जो लोग ऑनर्स करते हैं वो MIL लेते हैं, MIL की पढ़ाई हिंदी के शिक्षक ही करते हैं। उसके अलावा सब्सिडरी में हिंदी की पढ़ाई होती है, फिर नॉन हिंदी है उसमें भी हिंदी की पढ़ाई होती है। तो इस तरीके से जितने भी बच्चे होते हैं वो सब हिंदी के ही छात्र होते हैं। सर, जो मामला आया है शिक्षक द्वारा प्रोफेसर द्वारा सैलरी का चेक जो है वो लौटा दिया गया है, क्या कुछ पूरा मामला? हाँ, परसों आए थे ललन कुमार। ललन कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हिंदी में नितेश्वर कॉलेज में। वो आए थे कि अपना ट्रांसफर जो है चाहते हैं किसी अन्य दूसरे कॉलेज में जहाँ लड़कों की उपलब्धता हो। ऐसे कोई कॉलेज तो नहीं है जहाँ लड़के बच्चे नहीं हैं, सभी तो आते जाते ही हैं और उस मुताबिक क्लास चलता है। तो इनका कहना था कि या तो मुझे MDDM में दे दें या फिर RDS में दे दें, उन्होंने लिखित भी दिया है। और उसी क्रम में हमने
कल वो फिर आए थे मेरे पास, तो उसमें उन्होंने अपना चेक लगा के दिया था, 23 लाख समथिंग का था चेक। तो हमने कहा कि चेक को आप अपने पास रख लीजिए, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं कि हम आपसे चेक लें, और इसलिए कहा कि चेक आप हटा के जो एप्लीकेशन है वो जमा कर दें, उस मुताबिक हम उस पर काम करेंगे। अब मामला संज्ञान में आने के बाद प्रशासन जांच की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि कॉलेज प्रिंसिपल को इस मामले में तलब किया जाएगा, जिसके बाद जिस कॉलेज में प्रोफेसर ललन कुमार जाना चाहते हैं तत्काल वहां उन्हें डेप्यूटेशन दे दिया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरपुर से संतोष की रिपोर्ट।